हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन पार्ट थ्री। कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। हियर आर सम की टर्म्स: क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, इगोइस्टिकल लिबरलिज्म, सिलेक्टिव मॉरल सेंसिबिलिटीज, स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमी, यूके वेबब्रिज रिपोर्ट। की थिंकर्स आर ईशा बर्लिन, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, लस्की एंड टी एच ग्रीन। अभी ये सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम आंसर को पढ़ लेंगे तो हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से और इसके थ्रू आंसर को रिवाइज कर पाएंगे। ओके, लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स विच इंसिस्ट ऑन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लिबर्टी इम्प्लाइज लिबरेशन फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स, बंधनों से मुक्ति। इट वॉज इवॉल्व्ड इन वेस्ट इन 17th सेंचुरी टू लिक्विडेट फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड टू क्रिएट एनेबलिंग कंडीशंस टू न्यू एंटरप्रेन्योरियल क्लास। मतलब एक क्लास इमर्ज हो रही थी ये वाली, तो इसको कंडीशंस देने के लिए इनको लिबर्टी दी कि वो अच्छे से इमर्ज कर पाए। अच्छा, फ्यूडलिज्म में क्या होता है वो आपको पता है? जैसे कोई किंग है, ये हमारे किंग हो गए, अब इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड है। अब ये अकेले पूरे लैंड को तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, ये लैंड के डिवीज़न कर दिए और बीच में अलग अलग इंसान को ऑक्यूपाई कर दिया कि ये इन लैंड को मैनेज करे, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करके तो ये डिवीज़न हो गया। अब ये जो फ्यूडल्स थे बीच वाले, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे फार्मर का। जो पीजेंट थे, जैसे हमने ज़मींदारी सिस्टम में देखा कुछ वैसे ही था, तो अल्टीमेटली जो टैक्स कलेक्शन और सबका पावर फ्यूडल्स के पास आता था, वो जाता किंग के पास था, लेकिन वो अपना बीच में प्रॉफिट करने के लिए जो पीजेंट थे उनको एक्सप्लॉयट करते थे। So this was all about feudalism. तो जो न्यू एंटरप्रेन्योर क्लास थी उसको इमर्ज करने के लिए इन्होंने ये प्रिंसिपल आया। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? जैसे हमारी गवर्नमेंट है, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए कि गवर्नमेंट इतने अपने दायरे के बाहर नहीं निकल सकती, तो ये है नेगेटिव लिबर्टी। इमर्जेस अंडर द क्लासिकल लिबरलिज्म। इट इज द अर्लीस्ट ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज्ड ऑन द सिक्योरिंग फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बाय लिमिटिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का पावर लिमिट हो जाता है। तो ये हो गई नेगेटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? इमर्जेस अंडर द मॉडर्न लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबर्टी क्लासिकल लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबर्टी मॉडर्न लिबरलिज्म। इट मॉडिफाइड लिबरलिज्म इन लाइट ऑफ आइडियलिज्म। इट अलाउज स्टेट टू प्ले पॉजिटिव एंड एक्टिव रोल इन सिक्योरिंग द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें स्टेट को प्रोवाइड करते हैं रोल कि ये प्रोटेक्ट करे जो भी लिबर्टी है इंडिविजुअल की। ओके, अब हम कंपैरिजन देखेंगे नेगेटिव लिबर्टी में और पॉजिटिव लिबर्टी में। फर्स्ट, नेगेटिव लिबर्टी इज बेस्ड ऑन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी इज बेस्ड ऑन 20th सेंचुरी। पहला नेगेटिव 19, पॉजिटिव 20। नेगेटिव लिबर्टी सब्सक्राइबर टू इगोस्टिकल इंडिविजुअलिज्म, वेयर इज पॉजिटिव लिबर्टी सब्सक्राइब्स टू एनलाइटेंड इंडिविजुअलिज्म। नेगेटिव का इगोइस्टिक था, उनने लिमिट कर दिया था, इसमें स्टेट के पास पूरा पावर आ गया था एनलाइटमेंट ऑफ इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की लिबर्टी मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
नेगेटिवली वर्ड ही सब्सक्राइब्स टू दी सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट इकोनॉमी. नेगेटिव में सेल्फ रेगुलेट होगा मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव में स्टेट रेगुलेट होगा. मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रिवर्टी में इसमें कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट टाइप होगा और इसमें स्टेट सोशलिस्ट टाइप पॉजिटिव में. फिर नेगेटिव लिबर्टी बिलीव्स इन नेचुरल राइट्स, नो इंटरफेरेंस विद द स्टेट चर्च. इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, नेचुरल राइट पे डिपेंड होगा, इंडिविजुअल प्रायर टू सोसाइटी. बिलीव्स दैट स्टेट इज नेसेसरी इवल. लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी अलाउ करता है स्टेट को एंड स्टेट इन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्चुअसनेस. जैसे अब हम पहले से भी देखते हैं कि उसने स्टेट को पावर दिया है तो वो एज अ स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्चुअसनेस मानता है कि जो होगा अच्छा करेगा. फिफ्थ में स्कॉलर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. इसमें अब हम स्कॉलर्स याद रखना है नेगेटिव लिबर्टी में, तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बैंथम. और भी स्कॉलर्स हैं, ये तीन हमें याद रखना है, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बैंथम एक्सेट्रा. स्कॉलर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इंक्लूड टी एच ग्रीन, लस्की, केन्स एक्सेट्रा. सिक्स, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंपेयर्ड एज नेगेटिव लिबर्टी. हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इससे बाहर नहीं, इधर तक फंडामेंटल राइट है उनके, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते. वेयर हैज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव लिबर्टी. इसको हम अपनी जो चीजें हमें पता हैं उससे अगर हम कनेक्ट करके याद रखते हैं तो याद बहुत जल्दी होता है. तो आर्टिकल 19 शो करता है नेगेटिव लिबर्टी को, और आर्टिकल सॉरी डीपीएसपी शो करता है पॉजिटिव लिबर्टी को. सेवेंथ में नेगेटिव लिबर्टी रिसॉर्ट्स द सिलेक्टिव मॉरल सेंसिबिलिटीज, वेयर एज पॉजिटिव लिबर्टी रिसॉर्ट्स कलेक्टिविज्म. जैसे पॉजिटिव लिबर्टी में यूके में वेबरिज रिपोर्ट आई थी तो उसने बोला था इंडियाज आइडियल ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. इंडिया का जो आइडिया है बेसिक यूनिवर्सल इनकम का, वो पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल है. दस नेगेटिव लिबर्टी लेटर इवॉल्व अंडर द नियो क्लासिकल लिबरलिज्म. ये जो नेगेटिव लिबर्टी है तो ये इस फॉर्म में इवॉल्व हुई. और पॉजिटिव लिबर्टी सोशल लिबरलिज्म है. जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो सोशल लिबरलिज्म है. द इवोल्यूशन ऑफ द लिबरलिज्म केम एज अ रिजल्ट ऑफ यूटिलिटेरियन ट्रेडिशंस, जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड चैलेंज फ्रॉम सोशलिस्ट ह्यूमैनिटेरियन. तो बहुत अच्छे से ये हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. सपोर्ट योरसेल्फ, सपोर्ट योर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.